सीलिंग एक बहुत उपयोगी तत्व है आपका घर बनाने में, क्योंकि ये हमारे इंटीरियर स्पेस को महत्वशील बनाता है। फॉल सीलिंग से हमारा कमरा बहुत ही सुंदर और सुशील लगता है। इससे अपने घर का एक अलग माहौल बन जाता है। जिप रॉक प्रस्तुत करते हैं प्लेन सीलिंग, जो सुंदर दिखती है और आपको बढ़िया साउंड इंसुलेशन और एनर्जी सेविंग देती है। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से फिट करना चाहते हैं, तो आपको जिप्रॉक द्वारा प्रमाणित टूल्स का ही सही उपयोग करना है। इन जिपबोर्ड सीलिंग्स को लगाने के लिए सामग्री इस प्रकार हैं: जिप बोर्ड्स, प्लेन, फायरलाइन, एमआर अल्ट्रा और साउंड ब्लॉक, राउल प्लग, सॉफिट क्लीट, 6 mm डाया नट और बोल्ट, ड्राई वॉल स्क्रू, मेटल टू मेटल स्क्रू, सीलिंग एंगल, पेरिमीटर चैनल, सीलिंग सेक्शन, इंटरमीडिएट चैनल, कनेक्टिंग क्लिप, एज बीड, एंगल बीड, कंट्रोल जॉइंट, पेपर और फाइबर टेप, जॉइंटिंग कंपाउंड, इंस्टॉलेशन। इसके लिए हम पहले वाटर लेवल या लेजर के द्वारा फॉल सीलिंग का लेवल मार्क करते हैं। फिर पेरिमीटर चैनल की पोजीशन को दीवार के किनारों पर चौक से मार्क करते हैं। अब इस लाइन पर पेरिमीटर चैनल को नायलॉन ट्यूब और स्क्रू से 600 mm सेंटर टू सेंटर पर फिक्स करते हैं। इसके बाद छत पर 1220 mm सेंटर टू सेंटर पर रॉल प्लग की पोजीशन मार्क करते हैं। सॉफिट के अंदर 12 mm की ड्रिल बीट से होल करते हैं। अब इस होल में 12 mm डाया का रॉल प्लग सॉफिट क्लीट के साथ अंदर डालकर स्पैनर की सहायता से कस देते हैं। इसके बाद 25x10 mm के सीलिंग एंगल को सॉफिट क्लीट से M6 नट और बोल्ट के द्वारा जोड़ देते हैं। अब पेरिमीटर चैनल की टॉप लेवल सीलिंग एंगल पर मार्क करते हैं और फिर इंटरमीडिएट चैनल को M6 नट बोल्ट से सीलिंग एंगल के साथ फिक्स कर देते हैं। इस दौरान इंटरमीडिएट चैनल की दूरी को चेक करते हैं, जो कि 1220 mm सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। फिर सीलिंग सेक्शन को इंटरमीडिएट चैनल के साथ कनेक्टिंग क्लिप के द्वारा जोड़ देते हैं।
यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना है कि दो सीलिंग सेक्शन के बीच 457 mm सेंटर टू सेंटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। इस तरह अब ये फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है। ओपनिंग की पोजीशन को मार्क करें, फिर सीलिंग सेक्शन को काटें। सीलिंग सेक्शन के ओपन एंड को सपोर्ट करने के लिए और बोर्ड को सीधा रखने के लिए एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट चैनल लगाना चाहिए। पेरिमीटर चैनल को ओपनिंग की चारों तरफ में रखना चाहिए। बोर्ड लगाते वक्त उसका स्क्वायर जॉइंट सीलिंग सेक्शन पर आना चाहिए। पेरिफेरी यानी किनारों पर 150 mm और सेक्शन पर 230 mm सेंटर टू सेंटर की दूरी पर स्क्रू लगाने चाहिए। बोर्ड की कटिंग के लिए पेपर कटर का इस्तेमाल करना चाहिए। सही बोर्डिंग के लिए बोर्ड के जोड़ों को अच्छी तरह से जांच लीजिए। सब एक समान होना चाहिए। कटी हुई बोर्ड के चारों तरफ एज बीड लगाएं ताकि बोर्ड न टूटे। जॉइंटिंग फिनिशिंग। दो भाग जॉइंटिंग कंपाउंड को एक भाग साफ पानी में मिलाकर अच्छी तरह से मिलाइए। दाने न बने इसलिए कंपाउंड में पानी मत डालिए। बोर्ड के जोड़ों को जॉइंटिंग कंपाउंड से भर दीजिए और ऊपर पेपर टेप लगा दीजिए। इसके बाद पेपर टेप पर 100 mm चौड़ा पहला कोट लगाइए। स्क्रूज के मत्थे के निशान यानी ऊपरी निशान कंपाउंड से भर दीजिए। अच्छी जॉइंटिंग फिनिशिंग के लिए पेपर टेप का ही उपयोग कीजिए। सीलिंग के अंदरूनी कोने पर पेपर टेप के साथ जॉइंटिंग कंपाउंड भी लगाइए। ऐसा करने से जोड़ पर कभी क्रैक नहीं आएंगे। पहला कोट सूखने के बाद घिसाई करके एक्स्ट्रा कंपाउंड को साफ कर दीजिए। इसके बाद दूसरा कोट लगाइए जो 200 से 250 mm चौड़ा होना चाहिए। और इसके सूखने के बाद इसकी भी घिसाई करके एक्स्ट्रा कंपाउंड को साफ कर दीजिए। अब 300 से 450 mm चौड़ा तीसरा और फाइनल कोट लगाइए। फिर चिकनी और बढ़िया फिनिशिंग के लिए एक बार फिर से घिसाई कर दीजिए। अब आपकी सीलिंग सजावट करने के लिए तैयार है।
ये है जिप्रॉक का आधुनिक सीलिंग सिस्टम, जिसे आज सब पसंद करते हैं।